हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा सिनेरियो हुआ था रेसलमेनिया 34 की रात को ऑफ रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था रेसलमेनिया 34 की रात को आफ्टर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर ब्रूटल मैच, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको रॉयल रंबल के रिजल्ट्स एंड रिव्यू दे दूं। फर्स्ट मैच, बॉबी रूड एंड चैड गेबल ने हरा दिया रेजर एंड स्कॉट डॉसन की टीम को इन अ नॉन टाइटल मैच। सेकंड, शिंस्के नाकामुरा ने हरा दिया रूसेफ को और जीता यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। थर्ड मैच, बड़ी मर्फी ने पिन किया हिडियो इटामी को और रिटेन किया अपना क्रूजरवेट चैंपियनशिप इन अ फेटल फोर वे मैच। फोर्थ मैच, आस्का ने हरा दिया बेकी लिंच को टू रिटेन हर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप। फिफ्थ मैच, शेन एंड मिस की टीम ने हरा दिया द बार को और जीता स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। सिक्स मैच, रोंडा राउजी ने हरा दिया साशा बैंक्स को और रिटेन किया अपना रॉ विमेंस चैंपियनशिप। सेवेंथ मैच, बेकी लिंच ने एक सरप्राइज फैशन में जीता विमेंस रॉयल रंबल मैच बाय एलिमिनेटिंग शार्लेट फ्लेयर। एट मैच, डैनियल ब्राइन ने हरा दिया एजे स्टाइल्स को और रिटेन किया अपना WWE चैंपियनशिप जब एरिक रोवन ने इसमें इंटरफेयर किया और अटैक किया एजे स्टाइल्स पर। नेक्स्ट मैच, ब्रॉक लेसनर ने फिन बैलर को हराया वाया सबमिशन और रिटेन किया अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों, इस पूरे मैच में ब्रॉक लेसनर को फिन बैलर के किसी भी अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ब्रॉक थोड़े से इंजर्ड लग रहे थे ओनली बाय अनाउंसर्स टेबल हिट टू हिज स्टमक। इस मैच में इतना मजा नहीं आया जितना मजा मैच के बाद आया जब ब्रॉक लेसनर ने फिन बैलर को उसकी औकात दिखा दी। फिन बैलर मेन रोस्टर पर नहीं बल्कि 205 लाइव में डिजर्व करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेथ रॉलिंस ने जीत लिया है 30 मैन रॉयल रंबल मैच आफ्टर एलिमिनेटिंग ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, 1988 में जिम डगन ने फर्स्ट रॉयल रंबल जीता था, तो तब से लेकर आज तक का सबसे थर्ड क्लास एंड वर्स्ट रॉयल रंबल था आज का। नो सरप्राइजेस, नो बिग सुपरस्टार्स एंड विनर भी बहुत प्रेडिक्टेबल। और जो सरप्राइजेस आए थे इन द फॉर्म ऑफ जेफ जैरेट एंड कर्ट एंगल, उन्हें बहुत जल्दी निकाला गया। और दोस्तों, रॉयल रंबल में लोगों को बेवकूफ बनाया जॉन सीना के नाम से और फिर हमें बदले में मिला क्या, NXT के नो गुड मिजेट्स जिसे मेन स्ट्रीम ऑडियंस घंटा भी नहीं पहचानती। बॉबी लैशली, जिंदर महाल, डीन एम्ब्रोस ऐसे रेसलर्स को अच्छा स्पॉटलाइट मिलने की जगह पर इन्हें जल्दी निकाला गया। और स्पॉटलाइट, रंबल टाइम एंड एलिमिनेशन, ये सब मिला NXT के लुक के रेसलर्स को। और रही बात सेथ रॉलिंस की, तो उन्हें इन कमिंग टाइम किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टाइटल की, क्योंकि वो HHH के फेवरेट है और इंटरनेट के भी। तो फिर सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल जिताने का क्या मतलब हुआ? हमेशा से रोमन रेंस के परफॉर्मेंस पर प्रेडिक्टेबल का टैग दिया जाता है, पर सेथ रॉलिंस पर नहीं। दिस इज वियर्ड। और हमें शायद कल के रॉ में ही पता चलेगा कि रॉयल रंबल विनर सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को पिक करते हैं या फिर डैनियल ब्राइन को टू फेस हिम एट WrestleMania 35। तो चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस से। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के WrestleMania 34 के मैच के बाद हुई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों की मैच अच्छी होने के बावजूद क्राउड ने उसे खराब किया और काफी उन दोनों को हेट किया। और जब ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत कर बैकस्टेज गए तो वहां पर विंस मैकमैन भी बैठे थे और फिर ब्रॉक लेसनर ने उन पर गुस्से से यूनिवर्सल टाइटल फेंक दिया और फिर विंस ने ब्रॉक लेसनर को इमीडिएटली गाली दी। और दोस्तों, ये सब दिखाया गया है WWE के 24 स्पेशल फुटेज में ऑफ WrestleMania 34। और फिर दोस्तों, हमें उसके बाद रोमन रेंस का सेगमेंट देखने मिला जहां पर वो WrestleMania 34 के उनके ब्रूटल एंड ब्लडी मैच के बाद जाते हैं बैकस्टेज और फिर उनके कट्स पर स्टिचेस एंड स्टेपल्स लगते हैं। और फिर रोमन कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे हार्डशिप्स झेल कर भी वो आगे बढ़ते रहे हैं और कैसे उनके बच्चे भी यही बात उनसे सीख रहे हैं। रोमन ने एक टाइप से मोटिवेटिंग मैसेज दिया है इस क्लिप में सभी को। अगर दोस्तों आपके पास WWE नेटवर्क है तो आप इसे देख सकते हैं, काफी ऑसम है ये 24 स्पेशल अनलाइक रॉयल रंबल। एनीवेज, रोड टू WrestleMania हैज बिगन। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीजों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आपको कैसा लगा रॉयल रंबल पेपर व्यू? और सेकंड, क्या सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल मैच जिताने का डिसीजन राइट था या फिर रॉन्ग? तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।